नमस्कार साथियों, आप सभी को। मैं सुनील कपूर जींद शहर का निवासी हूं। मैं सुनार मार्केट जींद में पिछले 20 वर्षों से सुनार की दुकान चलाता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस समय जींद के एसपी सुमित कुमार व महिला पुलिस कर्मचारियों के बीच यौन शोषण के जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जींद ब्रेकिंग न्यूज का जो फेसबुक पर पेज है वह भी मेरा नहीं है। मेरे पास दिनांक 27/10/2024 को एएसआई उषा का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे को कहा, आपने मेरा वीडियो जींद न्यूज पर किसके आदेश से डाला है? जो मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि वह पेज मेरा ना है, ना मैं आपको जानता और ना मैंने आपका कोई वीडियो डाला है, जिस पर उन्होंने मेरे खिलाफ दरखास्त देने की धमकी भी दी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं अब वायरल कर रहा हूँ मजबूर होके। मैं आपको बता दूँ, एएसआई उषा जो कि कुर्सी पर बैठकर स्वयं अपना वीडियो बनवा रही हैं और अपना वीडियो वायरल भी करवा रही हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया, कैसे वायरल किया, यह मैं नहीं जानता। हाँ, मेरे पास व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो लेटर कई लोगों ने भेजे थे और कई ग्रुपों में भी आए थे, जो दो चार मित्रों को मैंने वायरल किए या नहीं किए मेरे को ध्यान नहीं है, क्योंकि इतने लोगों ने डाल रखी है, मेरे पास तो 50 लोगों के आए होंगे कम से कम भी। अब किस किस ने किया मेरे को खुद को याद भी नहीं है, और ना मेरा इसमें कोई रोल है किसी प्रकार का न्यूज़ चैनल पर डालने का, ये सब झूठ बात है। इसके बाद 28/10/2024 को जींद ब्रेकिंग न्यूज के एडमिन पर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिर मुझे सूचना मिलती है कि पुलिस मुझे इस मुकदमा में गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके पीछे का मुख्य कारण एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि उनके कथित दलाल, एसपी साहब के कथित दलाल और मेरे बीच बातचीत का है, जो मैं आपको बताता हूँ भी क्या मामला है। आपको बता दूँ, जब एसपी सुमित कुमार जींद में ट्रांसफ़र होके आए थे साल डेढ़ साल पहले लगभग, तो उस समय एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया था। उसने बताया, एसपी अपना खास आ गया है, एसपी साहब का कोई मोटा सा काम ला दे वो तुरंत हो जाएगा, किसी की एफआईआर करवानी हो या किसी का एफआईआर से नाम बाहर निकलवाना हो, कोई जायज़ काम हो या नाजायज़ काम हो सारे हो जाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना हो या हटवाना हो, यहाँ तक कि हम एसएचओ भी अपनी मर्जी का लगवा लेंगे। भाई साहब, आप एक बार सेवा का मौका ज़रूर दो। तो उन्होंने कहा, भाई साहब आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, आपको रुपए काम होने के बाद देने हैं, लेकिन काम होते ही आगे रुपए पहचाने पड़ेंगे। अब इस व्यक्ति का एसपी साहब के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे है, ये तो सिर्फ वही बता सकता है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। यह कि एसपी साहब को यह ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने व्हाट्सएप पर भेजी थी, यह व्यक्ति आपकी छवि धूमिल कर रहा है, और इस व्यक्ति की पूरी डिटेल भी मैंने एसपी साहब के व्हाट्सएप पर भेज दी थी, जिसके स्क्रीनशॉट व कॉल रिकॉर्डिंग मैं अब मजबूरन वंश वारण कर रहा हूँ, ये मुझे आवश्यकता नहीं थी, मैं मजबूर हो गया हूँ इसलिए मैं वायरल कर रहा हूँ। एसपी साहब को शक है कि मेरे पास उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के सबूत हैं, जिस कारण वह मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, जिस कारण वह मुझे झूठे मुकदमों में फंसाकर मेरा नाम शामिल करके वह सबूत नष्ट करवाने के इरादे से अपनी पावर का दुरुपयोग कर वह सरकार व मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। मुझे खबर मिली है कि जींद के एक समाजसेवी चरण सिंह डांडा को इस मुकदमे में झूठे मुकदमे में जबरन उठाकर उनके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर कर उनके साथ बहुत मारपीट की गई है और उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। इस समय मेरा या चरण सिंह का किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं है, ठीक है। और अब मुझे पता चला है कि जींद पुलिस मेरे घर पर, मेरी दुकान पर, सब जगह छापेमारी कर रही है और मुझे व मेरे परिवार को किसी भी समय मरवा सकती है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2015 में हमने पासपोर्ट अप्लाई किया था,
जिसके वेरिफिकेशन आईओ ने 200 रुपए की रिश्वत मांगी थी मुझसे, जिसको वीडियो के आधार पर मेरी शिकायत पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वह कोर्ट से उसे सजा भी हो चुकी है, जिसके बाद से पुलिस विभाग मुझसे दुश्मनी रखती है। वह मुझ पर अब तक कई झूठे मुकदमे भी दर्ज कर चुकी है। पहला मुकदमा मुझ पर फरवरी 2018 में मुकदमा नंबर 74 सिविल लाइन थाना जींद में दर्ज किया था, जिसमें मुझ पर 10 लाख रुपए फिरौती मांगने का झूठा आरोप लगाया गया था, जिसमें मैं बेकसूर पाया गया और वह मुकदमा कैंसिल हुआ। फिर मार्च अप्रैल 2018 में मुझ पर 2 बार जानलेवा हमले हुए, जिनमें शहर थाना पुलिस जींद में मुकदमा नंबर 171 और 198 दर्ज है। फिर जुलाई 2018 में मुझ पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मुझे नजायज रूप से हिरासत में लेकर थर्ड डिग्री टॉर्चर भी किया गया था। जबकि इस हत्या केस के समय मुझे पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। कमाल की बात ये देखो कि मैं खुद पुलिस सुरक्षा में हूँ, इसके बावजूद भी मुझ पर हत्या का मुकदमा लगा दिया गया, है ना कमाल। और उसमें ही मेरा कोई रोल नहीं पाया गया, उसमें ही मेरे को क्लीन चिट मिली आखिर में। इसके बाद जनवरी 2020 में मेरे ऊपर 5 लाख रुपए फिरौती मांगने का एक और झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मैंने अपने बेकसूर होने के सारे सबूत तत्कालीन पुलिस अफसरों को दिए। ये 2020 का मामला, जनवरी 2020 का पाया गया, उसमें ही मेरे को क्लीन चिट मिली आखिर में। इसके बाद जनवरी 2020 में मेरे ऊपर 5 लाख रुपए फिरौती मांगने का एक और झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मैंने अपने बेकसूर होने के सारे सबूत तत्कालीन पुलिस अफसरों को दिए। ये 2020 का मामला, जनवरी 2020 का, जिन्होंने चलान में मेरे खिलाफ कोई सबूत ना होने पाए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट में लिखा। लेकिन मुकदमा में एसपी सुमित कुमार ने 4 साल के बाद सप्लीमेंट चालान में मेरा नाम बिना किसी सबूत के डाल दिया, जिसमें माननीय न्यायालय से मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिली, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ एविडेंस ऐसे दिखाए थे जिस बिहार पे मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। और अब कमाल ये देख रहा कि 4 साल के बाद एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसमें चालान भी पेश हो चुका है, चार्ज भी लग चुका है उस केस के अंदर, 4 साल के बाद मेरा मुकदमे में नाम शामिल कर दिया गया, है ना कमाल। जाती नहीं है मेरे साथ ये। चलो, फिर मैंने हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर के क्वेश्चनिंग के लिए भी गया हूँ, और मेरा ये केस हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए एक्सेप्ट हो चुका है और पुलिस को नोटिस भी हो चुका है। इस प्रकार पिछले कई वर्षों से जींद पुलिस व अब एसपी सुमित कुमार मुझसे जानलेवा दुश्मनी रखे हुए हैं और हर बार मुझे झूठे मुकदमे दर्ज करके मुझे टॉर्चर करते आए हैं। फरवरी 2024 में मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई और अब मैं बहुत शांति से बैठा हूँ, अपनी दुकान चला रहा हूँ, अपने घर का परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। लेकिन अब एसपी साहब मुझे झूठे मुकदमों का सहारा लेकर अपनी निजी रंजिश निकालने पर उतारू हैं। मैं माननीय अदालत, हरियाणा सरकार व सभी पत्रकारों से निवेदन करता हूँ, कृपया मुझे न्याय दिलवाएं और सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करवाएं।